अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आगा हश्र कश्मीरी का लिखा हुआ मैदान जंग ड्रामा आपकी किताब में निसाब में शामिल है। उसकी जो मालूम किताब में है वो मैं आपको ज़रा दे दूँ। पैदाइश 13 अप्रैल 1879 अमृतसर, वफात 28 अप्रैल 1935 लाहौर, माइग्रेशन के बाद पाकिस्तान आ गए थे। तसनीफ़ में ख्वाब हस्ती, रुस्तम सोहराब, मुरीद अश्क, असीर हिरस और सफ़ेद खून, ये मालूम तो मैंने दी है, बाकी वो आपकी किताब में। इसके अलावा कुछ मैं आपको बता दूँ। इब्तदाई हम पहले हेडिंग डाल देते हैं, तो अगर आपको ड्रामे की तारीख मालूम करें के लिए सवाल आए कि ड्रामे की तारीख बताइए, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं। ज़ेर नज़र ड्रामा मैदान जंग दरअसल तवील मुकम्मल ड्रामा रुस्तम सोहराब का छठा सीन है। ये इसको मुझे रीड करना इसलिए पड़ रहा है कि इसमें कहीं कहीं पर जो है ना वो साफ अक्स नहीं आ रहा है। ये ड्रामा आगा हश्र कश्मीरी का तहरीर करता है जिनका असल नाम आगा मोहम्मद शाह था। ड्रामे का फ़न खासा कदीम है जिसकी इब्तिदा संस्कृत ज़बान में हुई। आपका तलफ़ुज़ भी सही होना चाहिए। ड्रामे का फ़न, ये फ़न लिखा हुआ, फ़न खासा कदीम है जिसकी इब्तिदा संस्कृत ज़बान में हुई, यानी इब्तदाई तौर पर ड्रामे संस्कृत ज़बान में तैयार किए जाते थे, मगर उर्दू ज़बान में ड्रामे की इब्तिदा लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के अहद में हुई। ड्रामे को उर्दू अदब का हिस्सा बनाने में आगा हश्र कश्मीरी का नाम नुमाया है, जिन्हें उर्दू का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है, इनके दीगर ड्रामों में सैद हविस, यहूदी की लड़की वगैरह भी शामिल है। ये वो ड्रामे जो आपकी किताब में जिसका जिक्र नहीं है, तो ये आप उनको ऐड कर लीजिएगा। रुस्तम सोहराब उनका तहरीर करदा आखिरी ड्रामा था, ठीक है, जबकि उनका पहला ड्रामा आफ्ताब मोहब्बत था। इस ड्रामे का मरकजी ख्याल ये है कि तकदीर अटल है जिसका लिखा हर हाल में पूरा होता है। मुख्त सवाल में अगर आप उससे ये पूछ लिया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस मरकजी ख्याल ड्रामे का मरकजी ख्याल क्या है, किस बेस पे इन्होंने ये लिखा है। ड्रामे का पस मंज़र अगर सवाल में पूछ लेते हैं तो आप लिख सकते हैं, यानी बैकग्राउंड, ड्रामे का बैकग्राउंड। किस्सा कुछ यूँ है कि ईरान का मशहूर सिपहसालार रुस्तम शिकार से वापसी पर रास्ता भटक कर शाह समनगान के महल पहुंच जाता है। वहां उसकी इस तुरानी बादशाह, शाह समनगान कौन था, तुरानी बादशाह था, इस तुरानी बादशाह की बेटी तहमीना से मुलाकात होती है। दोनों में उल्फत या मोहब्बत बढ़ती है। सही लफ्ज़ उल्फत इस्तेमाल कीजिएगा, मोहब्बत ज़रा आमियाना लफ्ज़ है, आम सा वर्ड है, ठीक है। दोनों में उल्फत बढ़ती है और उनकी शादी हो जाती है। रुस्तम कुछ अरसे वहाँ क़याम करके रुख्सत हो जाता है। दुश्मनी और जंग की वजह से, दोनों मुल्कों के दरमियान जो जंग हो रही थी ईरान और तुरान के, वो तहमीना को साथ लेकर नहीं जा सका, मगर जाते हुए वो तहमीना को एक मोहरा, ख़ास किस्म का तावीज़ देता है और कहता है कि अगर बेटा पैदा हो तो ये मोहरा उसके बाजू पर बांध के उसे उसके पास भेज दिया जाए, यानी बेटे को उसके पास भेज दिया जाए। रुस्तम के जाने के कुछ अरसे बाद सोहराब की विलादत होती है, मगर तहमीना बेटे की जुदाई से बचने के लिए रुस्तम को बेटी पैदा होने की खबर भिजवा देती है। रुस्तम वापस नहीं लौटता, यूँ एक अरसा बीत जाता है, ठीक है। सोहराब जवान होकर बाप से मिलने के लिए बेचैन रहता है। तहमीना ने उसे बताया था कि उसका बाप ईरान का मशहूर जंगजू है। कुछ अरसे बाद ईरान और तुरान के माबैन जंग ठन जाती है और बाप ईरान की तरफ से और बेटा तुरान की तरफ से एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आ जाते हैं। जंग के दौरान भी सोहराब अपने बेटे को बाप को तलाश करता और बेचैन रहता है, मगर हकीकत उस आश्कार होती है जब वो ज़ख्मी होकर बाप के हाथों हलाक हो जाता है। ये बैकग्राउंड है ड्रामे का, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आप खुलासा लिखना चाहें तो वो भी आपको बता दिया जाता है। जी बच्चों, खुलासा इस तरह है कि ईरान के मशहूर सिपहसालार रुस्तम, अल्फाज में रद्दबदल और मुख्तसर अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर सकें करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये कोई हरफ़ आखिर नहीं है, जो आप उसी को रट लें और जो अगर रटना चाहें तो रट भी लें, इट्स ओके। अच्छा, ईरान के मशहूर सिपहसालार, मैं जिस लाइन पर पढ़ रही हूँ वहाँ पर मैंने मार्क रखा हुआ है। ईरान के मशहूर सिपहसालार रुस्तम का बेटा तुरान की शहजादी तहमीना के पास रह जाता है
और दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी और जंग की वजह से वो आपस में मिल नहीं पाते। जवान होने पर सोहराब को अपनी माँ से अपने ईरानी जंगजू बाप रुस्तम का पता चलता है और वो अपने बाप से मिलने के लिए बेचैन रहता है और उसकी तलाश में सरगर्दां रहता है। ठीक है, उसकी तलाश में बेचैन भी रहता है और सरगर्दां भी रहता है। तुरान के बादशाह ने इन बाप बेटों को, यानी कौन बाप बेटे, रुस्तम और सोहराब को लड़ाने के लिए खौफनाक साजिश तैयार की। ठीक है, और जब दोनों मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ी तो बाप को एक दूसरे के, तो बाप बेटा एक दूसरे के मुकाबले आ गए। यहाँ को नहीं आएगा तो आएगा, ते वाओ तो। ठीक है, लड़ाई के दौरान सोहराब को शक हुआ कि ये जो शख्स जिससे लड़ रहा है ना, ये इसका बाप है। मगर रुस्तम ने, जो इस बात से मुकम्मल बेखबर था कि उसका कोई बेटा भी है, सोहराब के बार बार पूछने के बावजूद खुद को रुस्तम मानने से इनकार कर देता है। ठीक है, इनकार कर दिया। दूसरी तरह सोहराब को उसके साथियों ने इस हकीकत से आगाह नहीं किया था कि जो शख्स इसके मद्दे मुकाबिल है वह रुस्तम यह है, यानी उसका बाप है, ताकि उनकी साजिश कामयाब हो जाए जिसका नतीजा किसी एक की हलाकत थी। लड़ाई उस वक्त जारी रहनी थी जब तक कोई एक हलाक ना हो जाए या शिकस्त ना मान ले। ठीक है, दोनों चूँकि बहादुर और जंगजू थे तो वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। पहले दिन के मुकाबले में रुस्तम को शिकस्त होती है और सोहराब उसको अगले दिन दोबारा लड़ने की दावत देता है। रुस्तम को शिकस्त के बाद बहुत अफसोस होता है और आखिरी मार्के से कबल वो दुआ करता है कि उसकी जवानी की ताकत उसे फिर हासिल हो जाए, क्योंकि वो एक नौ आमोज और ना तजर्बाकार जवान से हारने पर सख्त शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। अच्छा, खुलासे में जो है वो पैराग्राफ चेंज नहीं किया जाता है, तो आप ये पहले दिन यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, अगले दिन जब दोनों आमने सामने होते हैं तो सोहराब इस बूढ़े से लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे देखकर उसे यही ख्याल बार बार आ रहा था, उसे यानी सोहराब को, रुस्तम को देखकर इसे यानी सोहराब को यह ख्याल आ रहा था कि यही इसका बाप रुस्तम है। वो बार बार पूछता है मगर रुस्तम उसको सही जवाब देने के बजाय उस पर हमला करके उसे शदीद ज़ख्मी कर देता है। ज़ख्मी होने पर सोहराब कहता है कि तुमने मुझे ज़ख्मी किया है, अब जाकर छुप जाओ, क्योंकि अब मेरा बाप रुस्तम तुमसे इस बात का इंतकाम लेगा। इस बात पर रुस्तम चौंक कर उससे उसकी माँ का नाम और बाद में कोई और सबूत मांगता है। मोहरा देखने के बाद वह सख्त पेशमान होता है, जवान बेटे की लाश पर गिरिया वजारी करता है, मगर जाने वाला जा चुका होता है और इस तरह शाह तुरान की साजिश कामयाब हो जाती है। ठीक है, यह आपका सबक का खुलासा हो गया है। मशक़ी सवालात आप खुद कर सकते हैं, और अगर नहीं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको मशक़ी सवालात भी करवा दूँगी। थैंक यू। AA सेंटर के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। नए सबक के साथ दोबारा मिलेंगे।